विधायक महोदय विद्यालय प्रांगण में पधार चुके हैं, उनका विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। विद्यालय के और बसी के हमारे माननीय विधायक महोदय नाम से ही राजकुमार नहीं बल्कि मन और चन से भी राजकुमार है, जन जन को सुलभ है और इस क्षेत्र की मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मन के स्थान ग्रहण करें। कुछ भेंट कर स्वागत करें डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का स्वागत करते हुए विद्यालय का समस्त स्टाफ बच्चों को देखने दो भाई, मेरे को बच्चों को देखने दो, मेरे को एक बार थोड़ा सा खेलना सर, क्योंकि ये मेरी एफडी है तो इस एफडी से तो डायरेक्ट मिलना जरूरी होता है। बहुत देर से तालियां बजा रहे हैं तो हमारी रामपुरा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन और अध्यापन दोनों कराने वाले यानी बच्चे और आपके सभी गुरुजन, उनको यही विश्वास दिलाता हूँ इस बार ये 12वीं स्कूल हुई है रामपुरा के 36 कौम के लोगों की बहुत दिनों से ये डिमांड थी। ये कैंपस जो कि बहुत छोटा है तो बड़े कैंपस में आपको बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं और अभी इस कैंपस के अंदर मुझे आदेश हुआ है विद्यालय की तरफ से कि 100 सेट फर्नीचर व कक्षा 1 से 5 के लिए 50 स्टडी डेस्क। अब ये तो लिख दिया लेकिन इसमें कितना पैसा खर्च होगा वो पैसा नहीं लिखा है तो वो थोड़ा सा मुझे आप बता दें तो मैं ये वैसे तो ये उपलब्ध हो जाएंगे जितना भी लगेगा बच्चों के लिए सब कुछ हाजिर है, जान भी हाजिर है हमारे बच्चों के। तो आपके लिए ये 100 टेबल कुर्सी और पहली पक्की से लेके जो 5वीं पक्की तक पहली मेटाबरा जना मास्टर जी के या पहली कच्ची से पहली पक्की मिला था मेरे सिर में ठोल मार के आवाज आती सिर में कड़कोल की जरा सोचता कि पकड़ी आवाज आ रही है तो मतलब मैं मैंने सीनियर में आगे बढ़ा कर पक्के में कर दे और कच्ची आवाज आती है रोबल आ गया तो फिर कहते मेरे एक बार की कमाई एक साल और पक्को हो जाए। तो ये डिमांड आपकी पूरी कर दी है भाई, ठीक है आप लोग आगे बढ़ो, हमारे रामपुरा का नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो और हमारे इस नवलगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन करो। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रहना नहीं पड़ेगा, आपको ये मेरा वादा है आप लोगों से। और बाकी की बात चौपाल में जहाँ पे कैंप चल रहा है वहां पर बात करेंगे। मैं यहाँ के प्रिंसिपल आदरणीय विमल जी भाई साहब बहुत विद्वान हैं, अंग्रेजी विषय के खूब ज्ञाता हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी लीडरशिप में ये रामपुरा, क्योंकि लोग पहले विधायक इसको अंतिम गांव मानते थे लेकिन जब से मुझे आशीर्वाद मिला है नवलगढ़ की जनता का, रामपुरा को मैंने सीकर जिले से निकलने के बाद मेरे जिले का मेरे नवलगढ़ का पहला गाँव मैंने माना है और उसी के हिसाब से जो इन लोगों ने आदेश दिया उस आदेश की पालना मैंने हमेशा की है। आज भी जो भी आदेश करेंगे उन आदेश की पालना भी भविष्य में मैं कर दूंगा। आप सब ने इतना सम्मान दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।